नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में बात करने वाली है यहाँ पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बिगड़ते रिश्तों की खबरें यहाँ पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल बता तो चलिए यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। खबरें हैं कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। जी हाँ, अपने बेटे अभिषेक को इतना लाड दुलार करने वाले अमिताभ बच्चन का ये फैसला आखिर क्या रूप लेकर आया है। दरअसल बात करते चलिए यहाँ पर कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पहले बात करते चले अमिताभ बच्चन, जो कि लगभग 80 साल के हो गए हैं और वो बॉलीवुड में अपनी काफ़ी अच्छी जगह बनाकर बैठे हैं। वे आज भी बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्में दे रहे हैं। हाल फिलहाल में जिस तरीके से मूवीज़ में वो नज़र आए हैं, इससे साफ पता चलता है कि वह अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड रहे हैं और उन्हें एक्टिंग और अपने फैंस से कितना प्यार है। भले ही अमिताभ के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो और वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो, परंतु वह अपने पैसों से में से अपने बेटे खुद के बेटे अभिषेक बच्चन को कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हाल ही में अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमिताभ यह बोलते नजर आ रहे हैं कि वह अपने खुद के बेटे अभिषेक बच्चन को अपने पैसों में से कुछ नहीं देंगे। वीडियो के बारे में बताया तो यह वीडियो अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में से का है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी बात बोली है। इस तरीके की बात बोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अमिताभ बच्चन अपने ही बेटे अभिषेक बच्चन को अपनी ही संपत्ति से बेदखल करने वाले हैं और इस तरीके की बात और इस तरह का ये वीडियो उनका काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पर यह वीडियो अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो का है, जिसमें अभिषेक ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि अगर आप जीतते हो तो क्या आप मुझे कितने पैसे दोगे। इस पर अमिताभ बोले हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। आपको बता दें कि अभिषेक से अमिताभ मजाक कर रहे थे, लेकिन फैंस को ये कयास लगाने पर मजबूर किया गया कि क्या सच में अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।